तो आज हम एक्सप्लेन करते हैं ट्रू ब्लड के इस एपिसोड को, जहां पर हम देख पाते हैं सुकी इंटीमेट होने लग रही थी बिल के साथ में, और ये देख के तो हमको भी अच्छा लग रहा है गाइस। और यहाँ पर इंटीमेट होते हुए वो टाइम बिताने लग रहे थे, जहां पर सुकी बहुत दिनों बाद किसी के साथ इंटीमेट हो पाई है और उस बंदे के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व हो रही थी। और तभी शेयर करती है अपनी पुरानी यादों को जो उसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रोमेटाइजिंग थी, स्पेशली जहाँ पर उसकी ग्रैंड माँ के भाई ने उसे कहीं ना कहीं मोलेस्ट किया था, जिसकी वजह से उसकी ग्रैंड माँ और उसके भाई के बीच लड़ाई भी हो गई थी, और उन सब मेमोरी से वो थोड़ी सहम गई थी। और ये सारी बातें वो बिल को बताने लगती है, जहां पर बिल बोलता है कि तुम अब सेफ हो मेरे साथ में और तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता है, जहां पर सुकी को अच्छा लगने लगता है। और सुकी उससे पूछने लगती है वैम्पायर मिथ्स के बारे में कि वैम्पायर शीशे में नहीं दिखते हैं वाले मिथ, और यहाँ पर क्रॉस से डरना और गार्लिक। बट हम देखते हैं यहाँ पर तीनों में से कोई भी चीज़ वैम्पायर को असर नहीं करती है, और यहाँ पर उसका ब्लड पीकर बिल को बहुत अच्छा लगा था। और सुकी को यहाँ वीकनेस फील हो रही है तो उसे विटामिन B12 की गोलियाँ खा लेनी चाहिए, और वो ये डेली करने के लिए भी तैयार हैं। जहाँ पर सुकी ये सुन के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बिल को पसंद करने लगी है। और थोड़ी देर में हम देखते हैं बिल अब वापस अपने बेसमेंट में जाने की तैयारियाँ करता है, क्योंकि सुबह होने से पहले उसे बेसमेंट में जाना पड़ेगा सोने के लिए, जिससे कि वो पूरे दिन उस बेसमेंट में रहेगा। जहां पर सुकी उसे डिस्कवर करना चाहती है, बट बिल नहीं चाहता है कि वो उस प्लेस में आए, क्योंकि वो इतनी अच्छी नहीं थी। और इसी मोमेंट पर हम देखते हैं जेसन को, जो वापस जा चुका है लेफायट के पास में, और उसको बेग करता है कि उसको वैम्पायर ब्लड दे दे, उसके बगैर वो मरे जा रहा है। और यहां पर गाइस मैंने कुत्ता, कमीना, हरामी, बेशरम, बेगैरत इंसान अब तक नहीं देखा था जैसा जेसन है। इतनी गालियां तो मैं मेरे बेस्ट फ्रेंड को नहीं देता हूँ जितनी जेसन को देनी चाहिए, जहाँ पर वो इतना अडिक्ट हो जाता है एक चीज़ों से और उसके पीछे जाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। बट यहाँ पर लेफायट ने उसको लात मारी और उसको वहाँ से भगा दिया कि उसके पास कोई वैम्पायर ब्लड नहीं है उसके लिए, और उसने उसको प्रॉब्लम में फंसा दिया था, क्योंकि उसकी वजह से टैरा को पता चल चुका था कि वो वैम्पायर ब्लड के साथ पंगा कर रहा है, और इसलिए लेफायट उसे वहाँ से भगा देता है। बट यहाँ पर जेसन ने अभी हार नहीं मानी थी, सुबह जाता है अपनी माँ के घर पे और उसके वहां से चीजें चुराने लगता है, जिसको बेचकर वो पैसे कमाएगा और वैम्पायर ब्लड खरीदेगा अपने लिए, क्योंकि उसको फिर से लत लग चुकी थी। यहां पर सुकी आने के बाद उसे रोकने की कोशिश करती हैं, क्योंकि जो भी ग्रैंड माँ का है वो उससे भी बिलोंग करता है, और एक चांदी सोने की चीजों को ऐसे वेस्ट नहीं जाने देगी। बट यहां पर जेसन चांदी की 2 कैंडलस्टिक लेके फिर भी भाग जाता है, जिनको बेचकर वो कुछ पैसे कमाएगा और वैम्पायर ब्लड खरीदेगा। और वहीं हम देखते हैं टैरा को, जिसकी मॉम कॉफी में भी दारू मिला के पीने लग रही थी और बोलती है कि उसकी बॉडी के अंदर एक डीमन है जो उसे ख़त्म करे जा रहा है, और उसको सुधरने के लिए एक विच के पास जाना पड़ेगा जो उससे $450 लेगी, और उस पैसे की मदद से वो उसके अंदर का डीमन बाहर निकाल देगी। बट यहाँ पर इस बात पे टैरा को बिल्कुल यकीन नहीं था, उसे लगता है कि उसकी माँ फिर से पागल हो चुकी है, पूरी जिंदगी बेवड़ी बन के फिरती रही है और अब पैसे मांग रही है उसकी बेटी से, वो उसकी हेल्प नहीं करेगी। बट यहाँ पर इसकी ज़्यादा हालत ख़राब देखकर उसे लगता है कि शायद हेल्प कर देनी चाहिए माँ की और एक और चांस देना चाहिए अपनी माँ को। और यहाँ पर वो मिलने के लिए जाती है सैम से, जहाँ पर सैम थोड़ा उसे नाराज़ है, क्योंकि लास्ट टाइम इंटीमेट होने के बाद उसे अकेला छोड़ के चली गई थी, तो ये सब उसे नहीं करना चाहिए था। और यहाँ पर वो उसका बॉस भी है, थोड़ी रिस्पेक्ट तो रखे। बट यहाँ पर टैरा एक्सप्लेन करती है कि तुम अकेले रहते हो, मेरे पास मेरी माँ है जो मेरा सर खाती रहती है, और मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि कितनी बुरी हालत से मैं गुजर चुकी हूँ। जहाँ पर सैम उसको समझने की कोशिश करता है, और यहाँ पर पता चलता है कि सैम अपनी फैमिली से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है, और यहाँ पर वो दोनों लड़ाई को शांत कर देते हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन दिखा रहे थे। बट तभी टैरा के पास फोन आता कि उसकी मॉम कुछ गड़बड़ कर रही है और उसको जल्द से जल्द वहां पर पहुंचना होगा। जहां पर टैरा की मॉम चीजों को तोड़ रही थी और बैंक में लोन मांग रही है काला जादू करवाने के लिए, जिसके लिए साफ बैंक वाले लोग मना कर रहे थे, और यहां पर वो बैंक वालों पे उल्टे सीधे इल्जाम लगाने लग रही थी और बोलती है कि डीमन ने मुझ पर अटैक किया और तुम्हें मुझे बचाना चाहिए। बट यहां पर सब लोग उसको क्रेजी औरत की तरह देखकर उससे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर टैरा उसको पकड़ती है और वापस घर लेकर आती है, जहां पर उसकी मॉम क्रेजी बिहेव कर रही थी, जिसको देख के टैरा को लगता है कि शायद इसकी हेल्प कर लेनी चाहिए। जहां पर वो अपने छुपाए हुए पैसे निकालती है और शायद उसको वेस्ट कर देगी सिर्फ अपनी माँ के लिए, क्योंकि वो चाहती है कि वो सही हो जाए और ये बेवड़ापना बंद करे। और अब
मेरलोट्स के अंदर हम देखते हैं सुकी बहुत ज़्यादा खुश थी और अपनी सर्विंग कर रही है एज अ वेट्रेस, और उस मोमेंट पे उसकी दोस्त अर्लिन पूछने लगती है कि तुम इतने खुश हो क्या हुआ, जहाँ पर वो खुश होते हुए कुछ नहीं बताती है। और अर्लिन समझ चुकी थी कि इंटीमेट होकर आई है, बट वो चाहती थी कि काश के सैम हो, बट यहाँ पर वो बिल था जिसके साथ वो इंटीमेट हुई थी, जिसको देख के अर्लिन बिल्कुल भी खुश नहीं है और जाके अपने बॉयफ्रेंड और सैम को बताती है कि यहाँ पर वो इंटीमेट होकर आई है बिल के साथ में, और यहाँ पर अगर उसके बच्चे हो गए तो क्या वैम्पायर होंगे। वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि उसकी दोस्त की लाइफ खराब हो एक वैम्पायर के साथ में, और उसको रोकना चाहिए। जहां पर अब सैम जाता है उसके पास उसे रोकने के लिए और पता करने के लिए कि उसे काटा तो नहीं है, और जहां पर वो निशान देखकर उसे गुस्सा आने लगता है, बट सुकी साफ करती है कि उसके पर्सनल टाइम में वो किसके साथ इंटीमेट होती है वो उसकी पर्सनल मर्जी है, और जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं उनका कोई हक नहीं है उसके ऊपर, और ये कहते हुए गुस्से से वहाँ से जाने लगती है। जहाँ पर लेफेट बोलता है गो गर्ल तुम कुछ कर सकती हो, जहाँ पर लेफेट भी इसी की तरह था, हर जगह मुंह मारता फिरता है सबके साथ में और कैमरे पे अलग। और वहीं इस बार के अंदर हम देखते हैं लेफेट अकेले में पूछने लगता है सुकी से कि उसका एक्सपीरियंस कैसा था, जहाँ पर सुकी बताती है कि पहले तो थोड़ा अजीब लगा, उसे थोड़ा दर्द हुआ काटने पर, बट उसके बाद सब कुछ अमेजिंग था। और यहाँ पर लेफेट उसे प्रेज करता है उसके कॉन्फिडेंस के लिए, और यहाँ पर वापस कुकिंग करता है और उसे नजर आते हैं वही तीन बंदे जो पहले रेस्टोरेंट में आके उसे तंग कर रहे थे, और यहाँ पर उनके खाने में चम्मच को इतना गर्म करता है कि खाते ही उसका मुंह जल जाए। और यहाँ पर लेफेट बदले लेने में नंबर वन था, और यहाँ पर बिल्कुल बॉस की तरह ट्रीट करता है अपने आप को और सबको पनिश करता है जो लोग उसको ढंग से ट्रीट नहीं करते हैं। हम सुकी के अंकल को देख पाते हैं जो अकेले रहते हैं और व्हीलचेयर पे हैं, जहाँ पर बिल उसे मारने के लिए जा चुका है, क्योंकि बाप का दादा का भाई का बदला तो नहीं बट सुकी का बदला तो पक्का लेने वाला है बिल, जहाँ पर वो उसे मार कर गाड़ने वाला था। और यहाँ पर पता चलता है कि वो सुकी के लिए कुछ भी कर सकता है। और अब हम देख पाते हैं जेसन को जो सीधा जाने लग रहा था फैंटेशिया की तरफ, जो एक वैम्पायर बार है, बट वो डरा हुआ है। और यहाँ पर उसके सामने आ चुकी थी पैम, जो उससे उसकी आईडी मांगती है और देखती है कि इतना डरा हुआ है शायद कोई गड़बड़ करने भी आया है, बट उसका नाम पढ़ते ही जेसन स्टैक हाउस है और पता चलता है कि सुकी का भाई है, तो उसकी पावर्स के बारे में पता करने की कोशिश करती है कि इसके पास भी सुकी वाली पावर्स है क्या नहीं, बट यहाँ पर उसको हिप्नोटाइज करके पता लगा लेती है कि यहाँ पर ये वैम्पायर ब्लड के लिए आया है, बट उसे जाने देती है क्योंकि उसे लगता है कि इतना डरा बेवकूफ लड़का है ये कुछ नहीं कर पाएगा। और अंदर जाने के बाद बारटेंडर से बार बार स्ट्रॉन्ग ड्रिंक मांगने की कोशिश कर रहा था, जहां पर बारटेंडर उसे बार बार दारू देने लग रहा है, बट बोलता है यार कुछ और स्ट्रॉन्ग दे। और ये सारी बातें उसकी एक लड़की सुन पा रही थी और उसको बोलती है कि तुम बेवकूफ हो तुम यहां पर आओ, उसे जबरदस्ती खींच के लाती है क्योंकि यहां पर अगर वैम्पायर से उसका खून मांग लिया तो पिटाई तो पक्का होगी और शायद मार भी दें, बट यहाँ पर सैम में इतनी अकल नहीं थी कि ये सारी बातों पे ध्यान दे पाए। और यहाँ पर ये लड़की उसको बोलती है कि उसके पास वैम्पायर ब्लड है और चुपचाप यहाँ से चले, क्योंकि वैम्पायर सब कुछ सुन सकते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं एरिक सब पे ध्यान रखने लग रहा था कि कौन कौन आने लग रहा है, और यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा रूड है सब लोगों से, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल भी। और बार के बाहर आने के बाद जेसन को एक्सप्लेन करती है लड़की जिसका नाम एमी है कि तुम्हें वहाँ पर ये सारी बकवास नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हारी जान जा सकती है, उसके पास वैम्पायर ब्लड है। और यहाँ पर जेसन अपने आप को एक डॉक्टर बताता है कि वो एक डॉक्टर है, जिससे कि शायद इंप्रेस हो जाए और उसके साथ जाने के बाद इंटीमेट हो और उसे वैम्पायर ब्लड दे। हम देखते हैं घर जाने के बाद वो दोनों एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर पता चलता है कि जेसन की पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जैसे कि उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी जब वो बच्चा था, और यहाँ पर शायद वो स्ट्रॉन्ग होता तो सब कुछ संभाल सकता था जो उसने नहीं संभाला। और यहाँ पर उसकी ग्रैंडमा के साथ वो 18 साल तक रहता था, बट उसके बाद ये अपने पेरेंट्स वाले घर में शिफ्ट हो गया है। जहाँ पर वो दोनों पास आने लगते हैं और करीब बढ़ते हुए यहाँ पर ये लड़की वैम्पायर ब्लड निकालती है, दो एस्प्रिन की गोलियों पे रखती है उसे और बोलती है कि ये ज़िंदगी देती है, तुम्हारे अंदर एक लाइफ आ जाएगी और तुम्हें चीज़ों से कनेक्ट होना पड़ेगा। और यहाँ पर ये गोली लेने के बाद दोनों हलूसिनेट करते हैं और पूरे नशे में नंगू पुंगू होकर अजीब अजीब हरकतें करते हैं और अजीब अजीब चीज़ें इनको दिखने लगती हैं, जिससे कि उन्हें होश नहीं है कि वो कर क्या रही हैं। और ये सारा प्लान स्टार्टिंग से इस लड़की का था, उस वैम्पायर ब्लड को लेकर ऐसा फील करने का। और गाइस अगर आपको ऐसा कुछ फील करना है तो मत करो, जिंदगी खराब हो जानी है, जैसा जेसन है वैसा बिल्कुल मत बनना, वरना तुम भी संजू भाई बनते घूमोगे। और अब
वहीं टेरा अपनी मॉम के साथ जंगलों में अपने पैसे लेके जाने लगती है, जहाँ पर वो विच उनका वेट ही कर रही थी। और यहाँ पर कुछ पत्थर सोल्ट रखकर वो सारा ट्रीटमेंट स्टार्ट करती है, जहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लगता टेरा को कि सच बोल रही है। फ्री में उनसे पैसे ऐठने की शायद कोई टेक्निक है, बट यहाँ पर उसकी मॉम को यकीन था कि वो सही हो जाएगी। जहाँ पर ये विच बताती है कि ये सारी रिचुअल्स उनकी फैमिली में चलते हुए आ रहे हैं और यहाँ पर वो उसका इलाज कर सकती है। और थोड़ी देर में अजीब अजीब हरकत करने लगती है उसकी मॉम, और ये देख के टेरा डर चुकी थी कि यहाँ पर हो क्या रहा है। और यहाँ पर उस विच ने एक छोटे से जानवर को मार दिया और यहाँ पर बोली कि सारा जितना भी डीमन था वो ख़त्म हो चुका है तुम्हारे मॉम के अंदर से, और अब तुम्हारी मॉम बिल्कुल सही हो चुकी हैं। जिसको देख के टेरा डर चुकी थी और उसे लगता है कि शायद इस विच ने उन्हें बेवकूफ़ बनाया और ये कोई शायद विच भी नहीं है। बट यहाँ पर उसकी मॉम बेटर फील कर रही थी तो उसको लेके जाने लगती है, बट तभी विच बताती है कि यहाँ पर एक और शैतानी आत्मा है, वो तुम्हारे अंदर नहीं है बल्कि तुम्हारी बेटी इस टेरा के अंदर है, जो उसकी गुस्से को बढ़ाती है। यहाँ पर उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, उसकी कोई लाइफ नहीं है, वो जॉब नहीं रख सकती अपने पास में, क्योंकि उसके अंदर का ये डीमन उसे कहीं ना कहीं खाने लग रहा है और शायद इसका भी इलाज करना पड़ेगा। बट हम देखते हैं यहाँ पर टेरा एक रुपया और देना नहीं चाहती है और अपनी मॉम को के यहाँ से जाने लगती है। और हमें पता चलता है कि टेरा इन चीज़ों पे यकीन नहीं करती है, बस उसकी मॉम थी जिनको ऐसा लगता था कि शायद उनके अंदर कोई शैतानी आत्मा है, जिसको निकलने के बाद वो अच्छा फील कर रही थी। और अब वही रात को बार में आ चुके थे तीन वैम्पायर जो बिल के सो कोल्ड फ्रेंड थे, और यहाँ पर लोगों को तंग करने लगते हैं। बट सुकी उनको रोकने की ट्राई करती है, जहाँ पर वो वैम्पायर बाइट देख के समझ चुके थे कि बिल और इसके बीच में कुछ तो हुआ है और वो शायद खुद उसका ब्लड टेस्ट करना चाहेंगे। बट यहाँ पर वो साफ करती है कि वो बिल की है, और ये सुनकर सैम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और सब लोग शॉक थे। बट हम देखते हैं यहाँ पर इस वैम्पायर को कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो यहाँ पर अपनी मर्जी चलाने वाला था और वो बिल से नहीं डरता है। और अब हम देखते हैं जैसे ही सुकी डरने लगती है, बिल को पता चल चुका था, जहाँ पर वो सुकी की ग्रैंडमा के भाई को दफनाने जा रहा था मारने के बाद, वो सीधा आता है मरलोट रेस्टोरेंट के अंदर और अपने तीनों दोस्तों को रोकता है, जहाँ पर उनको जाने की सलाह देता है। बट वो तीनों आए थे यहाँ पर बिल को लेने के लिए और यहाँ पर वो बिल को लेकर ही जाएंगे। और हम देखते हैं यहाँ पर सुकी की जान बचाने के लिए वो इन तीनों के साथ जाने के लिए तैयार है, और जाने से पहले साफ करता है सुकी को कि वो एक वैम्पायर है और वो अपने जैसे लोगों को बीच में ही रहेगा और तुम इंसान हो और तुम जैसा नहीं बन सकता है, जिससे कि सुकी का दिल तोड़ सके और सुकी की जान भी बचा सके। जहां पर वो उन वैम्पायर के साथ चला जाता है और यहां पर वो तीनों लोग जो बैठे हुए थे प्लान करने लगते हैं कि किस तरह इन वैम्पायर को मार सके। और यहां पर टेरी ने वैम्पायर पे मारने की कोशिश की थी बट वो नाकामयाब रहा और वो अब डर चुका है इन सब सिचुएशंस को देखकर, क्योंकि उसने इराक में भी बहुत कुछ सहा था और वो ये सब चीज़ें रिपीट नहीं करना चाहता है। बट यहाँ पर ये बाकी तीन जर्क्स प्लान कर रहे हैं उन वैम्पायर के घर में आग लगाने के लिए, जो भी टाउन में नए नए शिफ्ट हुए हैं। और इन बातों को सुन के सुकी हेल्प मांगने जाती है सैम से, बट सैम अर्लीन बाकी सब लोग कहते हैं मरने दो उन वैम्पायर्स को, वो कभी भी अपने नहीं हो सकते हैं, इंक्लूडिंग बिल, क्योंकि वो भी एक वैम्पायर है। ये सब देख के सुकी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वह सीधा जाती है बिल के घर पे, बट यहाँ पर बिल नहीं था और वो वहीं पर सो जाती है उसका वेट करते हुए। जहाँ पर अगले दिन हम टेरी और एंडी को एक साथ फिशिंग करते हुए देख पाते हैं और नोटिस करते हैं कि जंगलों में से कोई नंगू पुंगू भाग के गया है और शायद वो सैम है। और यहाँ पर टेरी को यकीन नहीं होता कि सैम ऐसे नंगू पुंगू के कहाँ भागने लग रहा है, और उन्हें डाउट था कि शायद सैम कुछ तो गड़बड़ करने लग रहा है। और गाइज मुझे पर्सनली सैम पे डाउट होता है कि जहाँ पर भी क्राइम हो रहे हैं उससे कनेक्शन सैम का ज़रूर था। और तभी वो तीनों लोग सुबह सुबह जाते हैं और उस घर के अंदर आग लगा देते हैं, और पता चलता है कि चारों लोग जो भी उस कॉफिन में थे वो मर चुके हैं। जिसको देख के सुकी को ये बात पता चल चुकी थी और बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है उस जगह पर आने के बाद, बट अब कुछ किया नहीं जा सकता है। बिल और उसके तीनों दोस्त में आग लग चुकी थी और वो शायद ख़त्म हो चुके हैं। अब देखते हैं आगे होता है क्या अगले एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें शो टाइम अमेजिंग सीरीज़ के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, साइनर एंड टाटा।